लंबे समय से चल रहे अटकलों पर विराम लग गया है। आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस इस्तीफे को लेकर के अब चर्चा बहुत ज़बरदस्त होने लगी है। आरसीपी सिंह ने बिना कुछ कहे, बिना किसी तरह की प्रतिक्रिया दिए सीधे इस्तीफा दिया, और वो भी जब उनसे लगातार पूछा जा रहा था कि अगला कदम आपका क्या होगा, तो इससे पहले आरसीपी सिंह ने सब कुछ तय कर लिया था। जानकार बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह का इस्तीफा बहुत भारी पड़ने वाला है जनता दल यूनाइटेड पर। हालांकि आरसीपी सिंह ने इस बात से इनकार किया है, उनका सीधे तौर पर लगातार कहना है कि वो पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और जो जिम्मेवारी मिलेगी वो उसको निभाएंगे, एक बार फिर से संगठन में काम करेंगे। आरसीपी सिंह पटना में कहा जा रहा है कि आवास ले चुके हैं और यहाँ रहने का, यहाँ पूरा प्लानिंग के साथ आगे की रणनीति और राजनीति करने का उन्होंने मन बना लिया है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर जो आ रही है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इस खबर ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, ललन सिंह और अन्य लोग जो बहुत खुशी मना रहे थे आरसीपी सिंह के इस्तीफा को लेकर के, या जदयू के भीतर या अन्य जगहों पे जो लोग भी आरसीपी सिंह के इस्तीफे को लेकर के भीतर ही भीतर खुश हो रहे थे, उन सारे लोगों को अचानक से झटका लगने वाला है। इस्तीफा सिर्फ आरसीपी सिंह का नहीं हुआ है। आपको बता दें कि हमने खबरों के माध्यम से आज सुबह ही आपको बताया था कि आरसीपी सिंह के लिए कौन कौन से रास्ते खुले हुए हैं। हमने ये भी आपको बताया था कि 4 सीटें जो राज्यसभा की हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाने वाली खाली हैं। उन सीटों पर किसे किसे भेजा जाएगा ये फैसला प्रधानमंत्री को करना है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसे भेजेगा ये बातें आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही आरसीपी सिंह के साथ और भी कई नेताओं का इस्तीफा हुआ है। नकवी का भी इस्तीफा हुआ है, उन्होंने भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, उनका भी राज्यसभा का कार्यकाल कल ही ख़त्म हो रहा है। आपको बता दें कि ये खबर आपको मिलेगी, लेकिन इस खबर के बाद आरसीपी सिंह की चुप्पी बहुत सारी कहानियों को कह रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का चुनाव होगा, वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी, उसके बाद इन खाली हो रहे सीटों पर मनोनीत करने की प्रक्रिया चलेगी और उसमें एक सीट आरसीपी सिंह का भी होगा। लेकिन इस बीच में आरसीपी सिंह को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और बिहार की राजनीति में उन्हें अपना दम दिखाना पड़ेगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 की तैयारी कर रही है और 2024 में नीतीश कुमार के अलावे कौन होगा जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेगा और सीटें दिलवाएगा, इसके लिए पूरी प्लानिंग और तैयारी की जा रही है, जिसमें आरसीपी सिंह का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। एक तरफ जहां लौकुश समीकरण बनाने की कोशिश लगातार नीतीश कुमार कर रहे थे, वहीं उनके लौकुश समीकरण में कुछ तो मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन लौ वाला समीकरण जो आरसीपी सिंह थे और मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ काम करते थे, उनकी विदाई लगभग तय है। हमने खबरों में आपको इससे पहले बताया था कि आरसीपी सिंह की को पार्टी से भी, और एक तरह समझिए तो मंत्रिमंडल से तो आउट हो ही गए हैं। अब पार्टी में उनकी क्या हैसियत है, किस तरह से वो क्या करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कयासों का बाजार गर्म है कि आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ इस्तीफा दिए हैं और इसके पीछे उनकी बातचीत, चूँकि मंत्रिमंडल की बैठक थी और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद सीधे तौर पर उनका अपने से इस्तीफा देना और आगे की रणनीति का हिस्सा बनना, निश्चित रूप से जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें यूं ही नहीं चल रही हैं, कुछ तो सच्चाई ज़रूर होगी। अब आने वाला समय जो है वो बिहार की राजनीति में क्या कुछ लेकर के आता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि जिन लोगों की खुशी अभी है वो खुशी काफूर भी हो सकती है अगर आरसीपी सिंह, जो कहा जा रहा है, जिसकी चर्चा हो रही है, उस प्लानिंग के तहत अगर इस्तीफा दिए हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार और जदयू के लिए भारी पड़ेगा। वहीं ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से पटखनी दे सकते हैं आरसीपी सिंह। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।